नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फोवेस में। तो आ चुका हूँ और एक गर्मा गर्म खबर लेके। आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस की एंटॉर्क के बारे में। दोस्तों, टीवीएस की तरफ से हमारी देश की सबसे पावरफुल 125 सीसी की स्कूटर यानी कि एंटॉर्क की नई वेरिएंट लॉन्च हो चुकी है और इस नए वेरिएंट का नाम है टीवीएस एंटॉर्क 125 XT। और ये स्कूटर पूरी तरीके से एक नए नियॉन ग्रीन कलर के साथ आया है। वैसे दोस्तों, टीवीएस की एंटॉर्क पहले से ही बहुत ज्यादा स्पोर्टियस स्कूटर है अपने सेगमेंट में, पर इसका जो नया हाईलाइट ग्रीन कलर ऑप्शन आया है इसका स्पोर्टीनेस को और भी ज्यादा एनहेंस कर देता है। और दोस्तों, ये जो नया कलर है ये हमारे देश की यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। और दोस्तों, इस बार एंटॉर्क में सिर्फ कलर अपडेट ही नहीं आया है, कलर अपडेट के साथ साथ और भी बहुत सारे अपडेट आया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए इसी तरीके की वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। वैसे दोस्तों, टीवीएस की एंटॉर्क पहले से ही ऑलमोस्ट एक कंप्लीट पैकेज थी और इसीलिए ये हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग 125 सीसी की स्कूटर है। पर इस बार दोस्तों, टीवीएस की एम है मोस्ट फीचरिच, मोस्ट एडवांस और मोस्ट अपीलिंग स्कूटर लाने की। यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से प्यार करते हैं शायद ये एंटॉर्क उन्हीं के लिए है। तो XT से पहले जो एंटॉर्क आती थी उसमें हमें टीवीएस की ही एक्स कनेक्ट ऐप के थ्रू इसकी डिस्प्ले में नेविगेशन और कॉल अलर्ट देखने को मिलती थी। पर इस बार इस नए एंटॉर्क में हमें दो हाइब्रिड TFT कलर्ड LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि इस सेगमेंट में पहली बार दिया गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस बार नया डिस्प्ले और स्मार्ट कनेक्ट ऐप के साथ एडवांस वॉइस असिस्टेंट फीचर्स भी दिया गया है और इस फीचर के मदद से राइडर स्कूटर को बहुत किस्म की कमांड दे सकता है, जैसे कि राइडिंग मोड चेंज, ब्राइटनेस एडजस्टमेंट, सेट डेस्टिनेशन इन नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल्स और भी बहुत सारे। और इंटरेस्टिंगली दोस्तों, इस बार इस नए एंटॉर्क का सिस्टम राइडर के साथ भी इंटरेक्ट कर पाएगा वॉइस और बहुत सारे अलर्ट के थ्रू, यानी कि लो फ्यूल वार्निंग, फ्यूल वेस्टेज, फोन की अगर बैटरी लो है उसका भी नोटिफिकेशन, यहाँ तक कि अगर बारिश आएगी उसकी भी नोटिफिकेशन आपको इसमें आ जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, स्मार्ट एक्स ट्रैक के थ्रू आप बहुत सारी चीजों को भी ट्रैक कर पाएंगे, जैसे कि नोटिफिकेशन, वेदर, न्यूज, क्रिकेट, फुटबॉल, लाइव AQI, यहां तक कि सोशल मीडिया की अपडेट्स भी। तो एक तरीके से जैसे कि फीचर्स की भंडार लगा दी गई है। तो दोस्तों चलिए अब थोड़ी बहुत हार्डवेयर के बारे में भी जान लेते हैं। हार्डवेयर में कुछ खास चेंजेस नहीं आया है, सिर्फ इसमें आपको एक नए तरीके का लाइटर और स्पोर्टियर अलॉय व्हील्स देखने को मिलेगी जिससे परफॉर्मेंस और फ्यूल सेविंग ज्यादा होगी। और इस बार इस नए एंटॉर्क की कर्व वेट को थोड़ी बहुत इंक्रीज किया गया है और इसका कर्व वेट होगा 118 kg। और अगर इंजन की बात किया जाए तो इस नए एंटॉर्क में आपको 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलेगी। पर इस बार ट्यूनिंग थोड़ी सी अलग है, इसलिए इसमें आपको 10 HP का पावर एट 7000 RPM और 10.8 NM का पिक टॉर्क एट 5500 RPM में देखने को मिलेगी। और दोस्तों, अगर प्राइस की बात किया जाए तो एंटॉर्क की लाइनअप की प्राइस जो शुरू होती है वो है 77000 से एक शोरूम दिल्ली की। और इस बार इस नए एंटॉर्क 125 XT को टॉप वेरिएंट के हिसाब से लॉन्च किया गया है और इसका प्राइस है 1.03 लाख एक शोरूम दिल्ली। और दोस्तों, ये नया एंटॉर्क टक्कर देगी यामा की रेजर, होंडा की ग्राजिया 125, सुजुकी की एवनिस 125 और हीरो की मैस्ट्रो एज 125। तो आज के लिए इतना ही अपडेट है दोस्तों, अगर कुछ और अपडेट आता है तो हमारे इंस्टा और चैनल पे अपडेट जरूर आएगा। वैसे हमने अपनी फेसबुक पेज और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, हमें फॉलो कीजिए इसी तरीके की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आज का ये वीडियो इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन साइनिंग ऑफ।